मैं अंकुश सचदेवा, प्रवक्ता मनोविज्ञान GSSS मांगियाना आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम टॉपिक करेंगे बुद्धि। आज मैं जनरल आपको बताऊंगा कि बुद्धि है क्या। तो बुद्धि के लिए, बुद्धि की एक सबसे अच्छी डेफिनेशन है हमारे सामने। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स हम क्या सोचते हैं कि बुद्धि क्या है, यानी इंटेलिजेंट कौन है? जिसके पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं वो इंटेलिजेंट है, जो किसी क्वेश्चन को जल्दी से हल कर ले वो इंटेलिजेंट है, जिसको कोई चीज जल्दी याद हो जाती है वो इंटेलिजेंट है। परंतु ये इंटेलिजेंस की सही डेफिनेशन नहीं है। इंटेलिजेंस की सही डेफिनेशन समझने के लिए हमें आज ये टॉपिक बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इंटेलिजेंट आखिर इंटेलिजेंट है कौन, इंटेलिजेंस है क्या? देखिए बच्चों, इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है। क्या है बुद्धि? एक सार्वजनिक क्षमता, ऐसी क्षमता जो दुनिया में सारे कहीं किसी ना किसी लेवल पर उपलब्ध है, जिसके सहारे व्यक्ति क्या करता है? उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है। क्या करता है? उद्देश्य पूर्ण कार्य। अब उद्देश्य पूर्ण कार्य क्या हुआ? देखो, जैसे मैं प्रवक्ता हूँ मनोविज्ञान का मैं टीचर हूँ। अब मेरे को क्या कार्य करना है? मेरे को मनोविज्ञान पढ़ाना है क्योंकि मैं मनोविज्ञान का टीचर हूँ। परंतु मैं मनोविज्ञान का टीचर कहाँ हूँ? स्कूल टाइम पे, ठीक है, या अपने किसी स्पेशल ड्यूटी पे। परंतु सारा दिन तो मैं मनोविज्ञान का टीचर के रूप में कार्य नहीं कर सकता, वह मेरा उद्देश्य पूर्ण कार्य नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं किसी दुकान पे चला जाऊं, मिठाई की दुकान पे चला जाऊं, और वहां जाके मैं कहने लगूं कि आओ मैं तुम्हें मनोविज्ञान समझाता हूं, बुद्धि क्या है मैं समझाता हूं, लोगों को इकट्ठा कर लूं कि बुद्धि क्या है मैं आपको बताऊं, क्या मिठाई की दुकान पर जाके यह मेरा उद्देश्य होगा कि मैं उन्हें बुद्धि के बारे में बताऊं? अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या मैं बुद्धिमान कहलाऊंगा? तो इसका एक ही जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि मिठाई की दुकान पर मेरा उद्देश्य क्या है? मिठाई खरीदना, ठीक है। तो व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है। इससे हमारा क्या अभिप्राय है? इससे हमारा अभिप्राय है कि व्यक्ति पूरा सोच समझकर किसी भी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव देखकर फिर उसके बारे में आगे का विचार करता है, फिर है वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। देखो, ये भी बुद्धिमता की या बुद्धि की एक मेन फीचर है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर किसी लड़की का एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी लड़की की शादी होती है, वो किसी नए घर में जाती है, अगर वह वहां नए घर में जाकर नए परिवार के साथ अच्छे से समायोजन कर लेती है तो वह बुद्धिमान कहलाती है, और अगर अच्छे से समायोजन नहीं करती तो आपको पता ही है फिर क्या होता है वहां पे। हाँ, तो बुद्धिमत्ता किसमें है? जो परिस्थितियों के साथ, वातावरण के साथ अच्छे ढंग से समायोजन कर ले, उसे हम बुद्धिमान या बुद्धिमान व्यक्ति कहेंगे। तो इस प्रकार ये हुई हमारी बुद्धिमत्ता की या बुद्धि की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी? ये दी थी वेशनर ने। किसने दी? वेशनर ने यह डेफिनेशन बुद्धिमत्ता की दी। तो ये तो हो गया बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? सार्वजनिक क्षमता जो सभी जगह पे होती है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, उसके फीचर